बच्चों आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो 10वीं जो कहानी है मदद के लिए तैयार है सेना, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से हमने कल की कक्षा में इस कहानी के अंतर्गत देखा था कि किस प्रकार भारतीय सेना जो है हमेशा हर वक्त जो है मदद के लिए तैयार रहती है। जैसा कि हमने देखा था कि वह आपदा जो समय होती है प्राकृतिक आपदा, उस समय जैसे बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप आदि, उन समय में नागरिकों को जिस तरह बचाने के लिए वह अपनी भूमिका को निभाती है, उस पर हमने कल की कक्षा में चर्चा किया था। और उसके साथ दंगा फसाद, उग्रवाद, हड़ताल, दुर्घटना और कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जिस प्रकार प्रशासन सेना को वहां पे मदद के लिए बुलाती है, उस पर हमने कल की कक्षा में चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने बार बार देखा है कि जब भी किसी तरह का संकट आता है तो थल सेना, नौसेना और वायु सेना पूरे तालमेल के साथ मदद को जुट जाती है। जिस तरह से जहाँ कहीं भी आपदा आती है, संकट होता है, तो वहाँ पर थल सेना, नौसेना, वायु सेना तालमेल के साथ यानी सब मिलकर जिस प्रकार मदद के लिए जुट जाते हैं, मिल जाते हैं, थल सेना के सैनिक पूरे हौसले के साथ प्रभावित लोगों तक पहुंचते हैं, तो वायु सेना के MI-17 चेतक, चीता हेलीकॉप्टर, AN-32 और IL-76 जैसे परिवहन विमान राहत व बचाव सामग्री और बचाव व चिकित्सा दल को निर्धारित स्थान तक पहुंचाते हैं। जो वायु सेना जो है, थल सेना के साथ साथ वायु सेना जो है अपने सारी सामग्रियों के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ और अपने वाहनों के साथ, वह सारी सामग्री को बचाव चिकित्सा के साथ निर्धारित स्थान तक पहुंचाती है। किसी बाधा को पार करने के लिए सेना के इंजीनियर कुछ ही घंटों में पुल बना लेते हैं, यानी कहाँ पे जहाँ कहीं भी पुल नहीं होता तो वहाँ से गुजरने के लिए जो सेना के जो इंजीनियर होते हैं कुछ ही घंटों में पुल वहाँ पे बना लेते हैं। संचार व्यवस्था ठप हो जाए तो सिग्नल कोर के जवान उसे दुरुस्त कर देते हैं। जहाँ कहीं भी संचार व्यवस्था बंद हो जाती है तो वहाँ के जो सिग्नल कोर के जो जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं, तो वो उसको दुरुस्त कर देते हैं। समुद्र में यदि कोई जहाज संकट में हो या किसी तरह की आपदा आए तो नौसेना के जवान तुरंत मदद के लिए रवाना हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी समुद्र में आपदा आती है तो वहाँ पे समस्या होती है तो नौसेना के जो जवान हैं तुरंत वहाँ पे मदद के लिए, हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दिसंबर 2004 में जब सुनामी के कारण भारत के पूर्वी तट तथा पड़ोस में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे देशों में तबाही मची, तब हमारी नौसेना ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2004 में भारत देश में सुनामी हुई, तब जो है पड़ोस देश जो है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे देशों में भारी तबाही मची हुई थी, भारी नुकसान वहां पे हुआ था। उस वक्त जो है नौसेना के जो सबसे पहले नौसेना वहां पे मदद के लिए, हेल्प करने के लिए पहुंच गई थी। अगले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से तबाही हुई। उस वर्ष हुई बर्फबारी इतनी भयानक थी कि उसे सफेद सुनामी कहा गया। जो सुनामी के बाद में जो है अगले वर्ष जो है जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में बर्फबारी होने लगी, उसके कारण बहुत वहां पे तबाही हुई, तो इसलिए उस बर्फबारी को एक नाम दिया गया, उसका नाम है सफेद सुनामी। तब सेना ने ही लोगों की मदद की, उस वक्त जो है सेना ने ही, भारतीय सेना ही उस वक्त वहां पे मदद की।
उसी वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में भयावह भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए। जो वहां पे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में वहां पे बहुत ही भयावह रूप में भूकंप होता है, उसके कारण वहां पे हजारों लोग मारे जाते हैं। भारतीय सेना ने न केवल अपने लोगों की मदद की बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी मदद दी थी। उस वक्त जो है भारतीय सेना जो सिर्फ केवल अपने देश के लोगों के ही मदद नहीं की बल्कि वह भारतीय सेना जो है पाकिस्तान फौज को भी मदद दी थी। इस प्रकार हम इस कहानी के अंतर्गत आज की कक्षा में जो मदद के लिए तैयार है सेना, उस विषय के अंतर्गत आज हम देख सकते हैं कि जिस तरह से थल सेना, वायु सेना और नेवी जिस प्रकार भारत देश के लिए हर वक्त जो आपदा समय में जिस प्रकार वो सहायता करते हैं, उसके बारे में आज की कक्षा में हमने देखा है।